पोजिशनल शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। मल्टीपल टीम जो जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रही है। क्लच डाउन किया जाएगा क्योया के द्वारा, और वो अपना फिनिश सिक्योर करेंगे जरूर, लेकिन एमटेक स्टॉमएक्स के अगेंस्ट मेटल के खिलाड़ी तैयार हो चुके हैं। थ्रोएबल से मोस्ट प्रोबेबली शुरुआत करी जा सकती है। प्लेयर्स तो खैर अभी के लिए मूव आउट करना चाहते हैं, शॉट देने की कोशिश, लेकिन वो एग्जैक्ट लग नहीं पाए। एक ही फिनिश के साथ अभी के लिए संतोष करना पड़ेगा। बियॉन की गाड़ी देखें, खैर ना ही देखें तो बेहतरीन, जिस तरीके से हालत हो चुकी है, लेकिन उनको खुद रखना है। बट क्या ये चेस डाउन कर रहे हैं, क्या प्लेयर्स एक्चुअली चेस डाउन कर रहे हैं उनके पीछे? जी बिल्कुल, बग्गी लगा दी गई है, लेकिन ज्यादा दूर है अभी तो एग्जैक्ट फाइट्स तो नहीं लेना चाहेंगे। हाँ मे बी उनको देखते रहेंगे और क्लोजिंग करके बाद में फाइट्स ली जाए। नहीं, अभी के लिए उनसे दूर और सर्कल से भी 500 मीटर का फासला और समय है मात्र 35 सेकंड। ऐसे में जोन को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है मिडल ईस्पोर्ट्स के लिए। एक फिनिश उनके पास मौजूद, रेवनेंट की बात करें एजेस के अंदर वो आ तो चुके हैं, पर एक अच्छा ग्रेनेड और रेवनेंट की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। मारू गेमिंग जिनके साथ ये फाइट शुरू हुई थी, जहां पे फ्यूर्स का एलिमिनेशन हमें देखने को मिला था, वापस से मारू गेमिंग के बहुत करीब रेवनेंट की स्क्वाड, लेकिन अब टीम ग्लैडिएटर्स वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको सर्कल के अंदर जाना है। ईगल हाउस नाम की चुनौती उनके ऊपर हावी हो जरूर सकती है। चलिए यहां पर एक नॉक निकाला जाएगा, डेस्ट्रो वो नोवा को डाउन करेंगे, जो फिनिश है वो भी सिक्योर करने की कोशिश और फाइट लेने के लिए जा रहे हैं। शोगन की बात करें वो आगे जाएंगे, बट डेल्टा पीजी उनको इंस्टेंटली टेक डाउन किया जाएगा और सिचुएशन अब बन चुकी है इवन स्टीवन। लेकिन एक रिवाइवल की कोशिश है शोगन की, जो कि डेल्टा को मिलेगा और नंबर्स फिर से 4v3 बन सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ भी रिवाइवल शुरू हो चुका है। आई थिंक इस फाइट को छोड़ना पड़ेगा, सर्कल आ रहा है, इस फाइट से दूर जाना पड़ेगा। बट ब्लाइंड के खिलाड़ी मेडल के ऊपर हावी हुए हैं, टॉप डॉग को नॉक किया गया है, बट डेस्ट्रो डजंट वांट टू लीव द सिचुएशन। डेस्ट्रो वांट्स टू हंट। स्पॉट किया है, प्लेयर्स को शॉट मिली है, क्या यहां पर खिलाड़ियों को डाउन करेंगे? अभी के लिए नहीं, लेकिन ग्लैडिएटर्स के लिए कॉल आ चुका है। इट्स अ ग्रीन सिग्नल टू गो फॉर द फाइट्स और डेस्ट्रो और उनकी टीम ये नंबर्स उठाएगी। हालांकि डेस्ट्रो इस चक्कर में टैंक्सी के द्वारा पिक किए जाएंगे और यहां से ग्लैडिएटर्स को आगे ही निकलना पड़ेगा। बट आर दे एक्चुअली गोइंग फॉर ईगल हाउस? यस दे आर। जो टीम दूसरे पायदान पर है उनको धकेलने की कोशिश और नीचे खत्म करने की कोशिश। शोगन गोइंग फॉर द शॉट्स, गाड़ी को खत्म करके ही दम लेंगे। जी बिल्कुल, बट दिस कम्स फ्रॉम द अदर साइड। मारू गेमिंग उस घर में मौजूद थी और हर एक पड़ोसी को दिक्कत ही है। ईगल हाउस को पहली दिक्कत, ग्लैडिएटर्स को दूसरी दिक्कत, साइडलाइन से शॉट्स लिए, लेकिन अभी भी जस्टिन फाइट ले रहे हैं, बट उनको किया जाएगा खत्म। ग्लैडिएटर्स एलिमिनेटेड। जी हाँ, मल्टीपल फाइट्स हमें यहाँ पर देखने को मिली, बट अब एक और टीम का यहाँ पे आगमन देखने को मिल जाएगा। डी प्लस किया वो जरूर से चाहेंगे इस थर्ड पार्टी एनक्लोजर में अपना एक बढ़िया योगदान दिखाने की कोशिश उनकी हो सकती है। एक 1v2 की वो फाइट जहां पे शॉटगन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, बट साथ ही साथ रिवाइवल की एक कोशिश भी हो सकती है। उतार यहां पर मौजूद, ब्लू जोन का डैमेज लेंगे, जो नॉक्ड प्लेयर्स हैं उनके फिनिश निकालने की वो कोशिश रहेगी। अभी भी देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या मारू का वो आखिरी खिलाड़ी, जी नहीं, उनको टेक डाउन किया जाएगा। रेवनेंट की MGOP रहेंगे, वो जो फिनिश है वो उनके पास जाता हुआ। इसी के साथ मारू गेमिंग उनका भी सफाया और अब MJOP वो पुश इन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन DBS के साथ स्वागत, अपोलो वो रिटेलिएट करेंगे और देखते ही देखते अब डी प्लस किया के बाकी तो दो खिलाड़ी क्लोज इन करने के लिए तैयार। अपोलो और सेंसे एक बहुत बेहतरीन असॉल्टर और उनके साथ साथ एक बहुत बेहतरीन IGL और दूसरी तरफ नोलबू और फॉरेस्ट डेफिनेटली रेडी, लेकिन वो एक ग्रेनेड जाएगा अपोलो का, नोलबू को पिक किया जाएगा, खुद को हील करवाना पड़ेगा जिस तरीके से खिलाड़ी यहां पर खेलते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये अच्छा ग्रेनेड हो सकता है, क्या ये स्प्लैश डैमेज भी देगा किस तरीके से, समझने की बात। एक और ग्रेनेड, जहां एक नॉक वहां पे निकला जरूर है, बट जोन का ये शिफ्ट आप देखिए कितना ज्यादा मजेदार। जहां पे टीम एक्स पार्क हम बात कर भी रहे थे कि फर्श से अर्श तक का सफर वो आज के दिन तय करना चाहेंगे, जोन उनको फेवर करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ थर्ड वर्ल्ड माफिया वो भी हमें यहां पर देखने को मिल जाएंगे, बट अभी के लिए प्लस किया कि स्क्वाड शायद वो रिवाइवल देकर के जोन के अंदर जाना चाहते। टीम रेवनेंट उनको भी समझना पड़ेगा कि सर्कल के अंदर जाना ज्यादा जरूरी, और अब ये ब्लू जोन का डैमेज स्टेज 5 का दिक्कतें बढ़ा सकता है, बट पुकार वो डाउन किए जाएंगे और साथ ही साथ एक फ्लैमिंग भी आ रहा है टीम एक्स पास के ऊपर। रेवनेंट के खिलाड़ी उन्हें समझ आ चुका है प्लस किया किस प्रकार से इंपैक्ट यहां पे खेलती नजर आएगी। देखिए बिल्कुल सामने जोन के बाहर की है, पूरी फाइट बन चुकी है, लेकिन जोन के अंदर की अगर बात करें तो टीम एक्स पार्क के ऊपर एनएस रेड पोस्ट
एक बहुत बड़ा प्रहार करेगी और उस जो फॉरेस्ट डिप का एरिया उसी फॉरेस्ट डिप के अंदर उनको खत्म किया जाएगा। एग्जैक्टली इसी चीज की मैं बात कर भी रहा था कि ये जो एरिया रहता है व्हीकल रनओवर प्रोन एरिया है और यहाँ पे बच पाना मुश्किल, लेकिन ये जोन का शिफ्ट आप देखिए, अगर वो उस रश को रोक पाते पूरा सर्कल अभी टीम एक्स पार्क के पास जाता हुआ नजर आता। बट अभी के लिए जो टेबल टॉपर्स है गॉडस्वेन मुश्किल है उनकी भी बढ़ाई जाएंगी। एक्वानॉक्स गोज डाउन, निंजा जॉर्ड वो ऑलरेडी नॉक्ड आउट हमें देखने को मिल जाएंगे और अब गॉडस्वेन के मात्र एक गॉड बचते हैं। रॉबिन देखना यह है कि वो कितनी देर तक यहाँ पे जो अपना सर्वाइवल है वो बना करके जा पाएंगे, क्योंकि यहां पर भी एलिमिनेट होते हैं तो पोजीशन के कुछ खास अंक जाएंगे नहीं। और रॉबिन शायद एक कोशिश उनकी हो सकती है हील बैटल करने की, बट थर्ड वर्ल्ड माफिया उनको पता है कि ये जगह रेड फोर्स से उनको छीननी ही पड़ेगी। एक्सिवा ग्रेनेड्स करना चाहते हैं और ये ग्रेनेड सही भी जा सकते हैं, हालांकि दूसरी तरफ स्पोर्ट आ रहेंगे जो निंजे को पिक करेंगे। एनएस रेड फोर्स एक अच्छी गेम की दरकार जो है वो यहीं पे देखने को मिल सकती है। स्पोर्टा उनको अपना फिनिश मिलेगा, रीलोड पर जाना पड़ेगा इन्हें थोड़ी देर में। 15 गोलियां बची हुई हैं, 312 बाकी चेंबर में, डेफिनेटली रीलोड किया गया। बट सर्कल आप देखिए किस तरीके से एक्वायर कर लिया है। एनएस रेड फोर्स मेंटली ये गेम जीत चुकी है जी हाँ, और आप देखिए कि ओवरऑल स्टैंडिंग्स में वो 11वें पायदान पे मौजूद थे। ऐसे में सेंस से वो फिनिश ऑफ किए जाएंगे प्ले जोन के द्वारा और साथ ही साथ टीम रेवनेंट उनका भी एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता हुआ। रेड फोर्स के पास एक बहुत बढ़िया एरिया है और ऐसे में चिकन डिनर के प्रबल दावेदार, वहीं दूसरी तरफ क्योया उनको डाउन किया जाएगा। विंग्स डाउन होंगे रेड फोर्स के और ये एक एक नॉक बहुत ज्यादा बड़ा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। टू जेड की बात करें तो वो भी अब एजेस पे आ चुके हैं, ऐसे में ईस्टर्न साइड से रॉक सर्कल में एंटर करना चाहते हैं। बट टेबल टॉपर गॉडस्वेन अभी भी सर्वाइव करेंगे, पैराडॉक्स को डाउन किया जाएगा पुम्बा के द्वारा, बट गॉडस्वेन के रॉबिन लड़ते हुए ब्लू जोन से। पैराडॉक्स एकदम पीछे आ गए थे रॉक्स के, उन्हें लगा कि वो चुपके से मूवमेंट कर लेंगे लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दूसरी तरफ गॉड्स के रॉबिन अभी भी हाँ सर्कल के बाहर है, लेकिन यहां से वो बस प्लेसमेंट पॉइंट्स अपने लिए बढ़ा सकते हैं। इस बार फिनिश पॉइंट मात्र एक आया है उनके पास, पांच टीमें जिसमें इस समय मेजॉरिटी वापस से कोरियन टीम्स की, बट क्या थर्ड वर्ल्ड माफिया कुछ कर पाएगी देखने वाली बात रहेगी। इसी बीच रॉबिन वो प्ले जोन के शिकार होते हुए नजर आएंगे और दोनों तरफ से अब जो प्रहार है वो होता हुआ रेड फोर्स के ऊपर, विंग्स को वहां पे डाउन किया जाएगा। लॉबस्टर उनके पड़ोस में आकर के वो गाड़ी लगाई गई, वो गेट इन किए, स्पॉटर फाइनली उनको स्पॉट करेंगे। व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज इनसेनिटी। बट अभी के लिए थर्ड वर्ल्ड माफिया वो एक और कोशिश कर सकती है दूसरी तरफ से, टू जेड वो भी प्रेशर बढ़ाते हुए रेड फोर्स के ऊपर। स्पोटा को देखिए साथ के साथ गाड़ी दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे, थर्ड वर्ल्ड माफिया के अगेंस्ट फाइट उन्होंने छेड़ दी है। एनएस रेड फोर्स ट्राइंग टू गो फॉर इट, ये बग्गी बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकती है, स्मोक के अंदर इसको लेकर के गए, उतरे जरूर है टीवीएस का प्रहार करने की कोशिश, बट थर्ड वर्ल्ड माफिया अभी भी जीवित, अभी भी फाइटिंग स्टांस में। रॉक के इसी बीच वो के को डाउन करेंगे, अभी भी फाइट चलती हुई थर्ड वर्ल्ड माफिया की, जहां पे काफी कन्फाइंड एरिया उनके पास मौजूद है। बट डेस्टिनी, वो डेस्टिनी बदलेंगे एक और नॉक डेस्टिनी निकालते हुए और रेड फोर्स की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ाई है। एक 1v1 की ये फाइट, बट थर्ड वर्ल्ड माफिया के डेस्टिनी वो पांचवा फिनिश अपने नाम करेंगे रेड फोर्स से दूर जाता हुए चिकन डिनर। बट इजी की बात करें अभी भी वो बरकरार, एक 1v2 उनको करना ही पड़ेगा। स्पॉटेड विद द डीबीएस, टेक्स आउट विद द डीबीएस, बैक साइड पर रटेल को भी देखा गया था लेकिन शॉट बिल्कुल साइडलाइन पर रह गए। रॉक्स के खिलाड़ी अपने लिए नंबर्स बना चुके हैं लेकिन डेस्टिनी आखिरी क्या उम्मीद बन के एक चिराग बन पाएंगे। दिस इज डेस्टिनी, आई मीन स्मोक्स का बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन रॉक्स के खिलाड़ी 1v4 बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। टिमोन ने स्पॉट किया, शॉट्स डेफिनेटली लिए और डेस्टिनी को खत्म करेंगे। टिमोन यूएमपी का इस्तेमाल करके रॉक्स एक चिकन डिनर अपने लिए लेकर के जाएंगे। अरे 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 कैनरी की याद आ गई भाई, टिमोन कैनरी है। मैं बस चाहता हूं कि वो